आखिरकार कांग्रेस की ओर से सूची जारी की गई है। उधमपुर की मैं बात करूं, उधमपुर वेस्ट की, तो कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मंगोत्रा को टिकट दी गई है। और रामनगर की बात करें तो बीजेपी छोड़कर आए मूल राज को टिकट दी गई है। बसोली की बात करें तो बसोली से चौधरी लाल सिंह जी को टिकट दी गई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुमित मंगोत्रा के कार्यालय के बाहर लोगों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है। और मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए लोग उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है लोगों की ओर से। ये देखिए, मैं फिर आपको बता दूं कि लोगों की ओर से इन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, हार पहनाए जा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस की ओर से काफ़ी देर के बाद सूची को जारी किया गया, क्योंकि अब दो दिन रह गए हैं और दो दिन में इन्हें पूरी तैयारी करनी है। लेकिन ये गांव में भी जा रहे थे, हर एक जगह जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। इस तरह भी ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोग इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और ये समाज सेवी लोगों के काम में जुटे रहते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि कांग्रेस की ओर से आज ये सूची जारी की गई है, जिनमें उधमपुर वेस्ट से सुमित मंगोत्रा को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया। और रामनगर की बात करें तो रामनगर से मूल राज जो कि बीजेपी छोड़ के आए थे उन्हें टिकट दिया गया है, उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं, और बसोली से चौधरी लाल सिंह को टिकट मिला है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है इन्हें। मैं फिर आपको बता दूं कि देखिए किस तरह से फूल मालों के साथ इनका स्वागत किया गया है। लोगों में एक खुशी की लहर है। और ये देखिए, मैं आपको फिर ये बता दूं कि देखिए कंधे पे इन्हें उठाया गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मंगोत्रा को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। फिर आपको ये बता दूं कि सुमित मंगोत्रा कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मंगोत्रा मैं आपको फिर ये बता दूं कि ये देखिए हमारे साथ सुमित मंगोत्रा जी हैं। सुमित मंगोत्रा जी, क्या कहेंगे कि कांग्रेस की ओर से आपको उधमपुर वेस्ट से टिकट दी गई है? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी जो हाईकमान है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक युवा चेहरे को मौका दिया है। और इसके साथ ही मैं तमाम उधमपुर की जनता, उधमपुर का यूथ, सबको मैं ये शुक्रिया भी करूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि मुझे एक मौका मिला है उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा करने का। और आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से उधमपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उधमपुर की जनता, खास तौर से उधमपुर के बुजुर्गों का मुझ पे आशीर्वाद रहा, मेरी माताओं बहनों का मुझ पे आशीर्वाद रहा, मेरे युवा साथियों का मेरे साथ साथ रहा, जो पिछले कुछ सालों से उधमपुर की तरक्की में, मैं बात करूं हमारे युवा जो एकमात्र स्टेडियम है वहां की हालत देखिए, युवा खेल नहीं सकते। मैं बात करूं स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती की, मैं बात करूं पानी की कटौती की, मैं बात करूं जो हमारा जीएमसी हॉस्पिटल है यहां पे, मैं कहूंगा जिसे रेफर हॉस्पिटल बना दिया गया है। मैं चुनाव लड़ूंगा तथ्यों को लेके कि पिछले 5-10 सालों में क्या नहीं हुआ और मेरा क्या विजन होगा, मैं क्या कर सकता हूं, इन सबको लेके मैं उतरूंगा। आपके भारतीय जनता पार्टी की ओर से पवन गुप्ता को उतारा गया और एक तरफ आप है, किस तरह का मुकाबला रहेगा आपका? देखिए, पवन गुप्ता जी हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है, हम यही कहेंगे कि उन्होंने क्या किया है हम उनकी कमियां दिखाएंगे। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना विजन बताऊंगा, बाकी लोगों ने तय करना है। मैं एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा उधमपुर की जनता से कि क्या मानते हैं कि कांग्रेस की ओर से नाम की घोषणा करने में काफी समय लग गया? देखिए, ये जो नेशनल पार्टी होती है इनमें कुछ अपने बहुत से नियम होते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे चेहरे थे जो कि जिनके नाम घोषित करने में टाइम लगा है। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पार्टी हाईकमान का, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मैं
यही कहूंगा कि पूरा विश्वास दिलाता हूं, मुझे अगर लोगों ने जीत के असेंबली में भेजा तो जो हालत यहां पे ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है, हमारे लोगों को कोई पूछता नहीं है, हमारे नौजवानों के साथ कोई बदतमीजी करेगा, कोई दफ्तरों में धक्के मारेगा, अगर मुझे मौका मिला तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों के बीच में जनता दरबार लगेगा, अफसर लोगों के बीच में आएंगे और लोगों का काम करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे सुमित मल्होत्रा जी, मैं कांग्रेस की ओर से सुमित मल्होत्रा को टिकट दिया गया, युवा चेहरा है और इनका कहना था कि आने वाले समय में जिस तरह की जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ रवि सिंह, मेरा चैनल।